का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे सोनी पटनायक से, उसके बाद रचना वैद्य से लेंगे FNO सुपरस्टार, श्रीकांत चौहान से चाट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी। सोनी आपके पास आ रहे हैं पहले आपका सस्ता ऑप्शन। अनुजी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगी DLF 850 की कॉल ऑप्शन में, करंट प्राइस 21.5 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा ₹16 का। पहला टारगेट है 28.28 का, दूसरा टारगेट रहेगा 32। यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है, 820 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। DLF 850 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 870 880 के रेंज पे नजर आएगा। सो सपोर्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काफी फेवरेबल है यहाँ। ओके आपका पहला ट्रेड हो गया 850 की कॉल। दोनों ही स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज में DLF में सुबह से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है और फर्दर आप अपस्विंग एक्सपेक्ट करते हुए रचना जी के पास चलते हैं आज का फिर सुपरस्टार पिक करेंगे। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप जी? मेरी तरफ से टाटा कम्युनिकेशंस रहेगा। टाटा कम्युनिकेशंस में खूब ही बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। ये चार्ट पे इसका सेटअप ऐसा दिखा रहा है कि ये खाली इंट्राडे की कहानी नहीं, लेकिन जो लोग पोजिशनली होल्ड करने को तैयार है उनके लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। ये काउंटर अगर 1850 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो जब तक ये 1850 होल्ड करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो बहुत ही जल्दी ये काउंटर हमें 2000 और 2050 के नंबर्स दिखाएगा। तो 2000 एंड 2050 के टारगेट्स और 1850 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस। ओके तो टाटा कम्युनिकेशन एक बहुत बढ़िया मूव, और रचना जी बिलीव भी, अब अनुज और मैं ऑफलाइन डिस्कस ही कर रहे थे कि अचानक इस स्टॉक में तेजी आ रही है और एक बहुत शार्प अपटिक आता हुआ, और आपने वो मेंशन कर ही दिया। श्रीकांत को भी जोड़ लेते हैं। श्रीकांत बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हम जैसे IT की चर्चा कर रहे थे और जब मैं इन सभी IT कंपनीज को स्कैन कर रहा था तो विप्रो के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक बात काफी क्लियरली समझ में आती है कि इसमें कुछ आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कुछ काफी बड़ा हो सकता है। उसका रीजन ये है कि इसके अगर 2 साल के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसमें वेरी क्लियरली कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन बना है, यानी कि काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और उस कंसोलिडेशन का एंड पॉइंट 550 के करीब है। तो जैसे ये 550 के लेवल्स को क्रॉस करेगा मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड में ये ₹700 के करीब जा सकता है, और मुझे लगता है यही एक ऐसा स्टॉक है कि जो ट्रिगर्स दिखा रहा है कि शायद IT में कुछ ना कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में कुछ होने वाला है बड़ा। तो विप्रो करंट लेवल से खरीदें, अगर वेरी शॉर्ट टर्म अगर टारगेट्स रखने हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 555 से लेकर 560 के टारगेट्स नजर आते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद और थोड़ी रैली देखने मिलेगी। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 530 का, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी इसे खरीदें, वेरी क्लियरली टारगेट्स नजर आते हैं ₹700 के। ओके तो विप्रो यहाँ पर इस समय आप खरीद सकते हैं। मयूरेश जी आपका मिड कैप फंडा। मनोज आई थिंक कंटिन्यू विद यस्टरडेज कॉल, नेस्को के साथ ही जाएंगे। मुझे लगता है आई थिंक जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है ये काफी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड एट दिस जंक्चर। फूड बिजनेस, इंट्रोबेटर बिजनेस इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जिनका IT पार्क्स का बिजनेस है वहां पे एक जबरदस्त स्टेडी स्टेट ग्रोथ है, और जो एग्जीबिशन का कारोबार है वहां पे तो सुपर ग्रोथ है। तो ओवरऑल नंबर्स ये पूरे साल के लिए 700 करोड़ की टॉप लाइन एक्सीड हुई थी, 28-30% ग्रोथ मैनेजमेंट को लगता है, और हमारे अनुमान से भी 25-30% नॉट जस्ट टॉप लाइन ग्रोथ बट अर्निंग्स ग्रोथ शायद मुमकिन है अगले 2 वर्षों के लिए, विच इज अ ह्यूज पॉजिटिव साइन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोस। 1500 करोड़ की कैश आउट ऑफ 6000 करोड़ मार्केट कैप, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे विल यूटिलाइज दिस कैश इन द राइट डायरेक्शन, ईदर फॉर एन ऑर्गेनिक एक्विजिशन या शायद जो डिविडेंड्स की राह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। तो नेस्को एक अच्छा विकल्प हो सकता है, 18-20% की अपसाइड, अ स्टॉक प्लेस्ड एट 890। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च द्वारा दिया। ओके नेस्को आपका पसंदीदा स्टॉक है। काम करते हैं पहले चारों स्टॉक्स एक बार फिर से स्क्रीन पर रखता हूँ। सस्ता ऑप्शन से हमने शुरुआत की थी, और सस्ता ऑप्शन DLF की कॉल सोनी पटनायक जी, रियल स्टेट में उन्होंने अगर आप देखेंगे एक्सपोजर लिया था लगभग 850 की स्ट्राइक के साथ, 28-32 का लक्ष्य यहाँ पे। टाटा कम्युनिकेशन रचना जी ने पिक किया, आई थिंक ये पहले डिस्कस भी करा था उसको, 2050 के लक्ष्य के लिए 1900 पे ट्रेड करता हुआ, 1850 का स्टॉप लॉस। श्रीकांत चौहान जी ने यहाँ पे IT पे फोकस किया, विप्रो को बाय किया 555 के लक्ष्य के लिए, 560 के लक्ष्य के लिए 541 के जोन में, और अभी अभी नेस्को को मयूरेश जी ने पिक किया। मीनवाइल स्क्रीन पे एक दो स्टॉक्स में और रखता हूँ जहाँ पे बहुत सुपर, मतलब जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है और एक ब्रेकआउट, मानस जरा एक